मैसेज तो अपन सबको भेज देते हैं, जो खास होते हैं उनको फोन करने चाहिए। आप निकाल लोगे ना? हाँ। गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दिवाली व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, और ये व्लॉग जो है वो डे इन माय लाइफ काइंड ऑफ व्लॉग रहेगा। वैसे तो डे इन माय लाइफ तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं और हम उनकी वीडियोज़ जो है वो देखते भी हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट स्टिल मैंने सोचा क्यों ना शूट की जाए और बाद में देखा जाएगा कि डालनी है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरा फुल आउटफिट, और ये जो कुर्ती मैंने ली है इसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि मैंने कहाँ से परचेज़ की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में मेरी कज़न खड़ी है, और दूसरी कज़न जो है वो रंगोली बना रही है यहाँ, और ये बहुत सुंदर रंगोली बनाती है विदाउट यूजिंग एनी स्टेंसिल। तो हम वो भी देखेंगे जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी अभी जस्ट मैंने साईं बाबा जी का पार्ट खत्म किया है, एंड अब मैं साईं बाबा जी को नहलाने वाली हूँ जो मेरे पास हैं। आज थर्सडे है यानी गुरुवार है, और दिवाली का दिन है, तो मैंने सोचा साईं बाबा जी को तैयार कर देते हैं। तो मैं पहले साईं बाबा जी को नहला रही हूँ उनके बाथटब में, एंड इसके बाद मैं इनको तैयार कर दूंगी। और जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं साईं बाबा जी की डिवोटी हूँ। एंड यहाँ पे मैं इनको ऑरेंज कलर की ड्रेस पहना रही हूँ, जो मैंने एक्चुअल में दिवाली वाले दिन के लिए ड्रेस चूज़ की थी वो मैं इनको शाम को पहनाऊँगी, क्योंकि वो अभी वेट है थोड़ी, तो मैं अभी नहीं पहना सकती। और यहाँ पे मैंने साईं बाबा जी को तैयार कर दिया है, एंड अब मैं इनको पहनाऊँगी माला। और माला में भी मैंने जो मोती हैं वो ऑरेंज एंड वाइट कलर के ही रखे थे। और यहाँ पर साईं बाबा जी हो चुके हैं रेडी, साईं बाबा जी को रेडी करेंगे हम शाम को भी ये वाली ड्रेस पहना के। और भी मेरे पास काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं साईं बाबा जी की, जो मैंने अलग अलग फेस्टिवल के लिए बनाई थी, और ये कलेक्शन है मेरी, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। इसके बाद मैंने थोड़ी सी रील्स बनाई साईं बाबा जी के साथ, एंड उसके बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चे जो हैं वो आ गए मुझे विश करने के लिए। थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। इसके बाद मैंने की छोटी सी पार्टी दिवाली की बच्चों के साथ, मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ, और स्टूडेंट्स जो हैं ये मेरे, मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है, और इनके साथ थोड़ा थोड़ा कभी कभी इन्जॉय भी हो जाता है। इनका दिल ना काफ़ी साफ है, ये हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि दीदी आप कब ब्लॉग डालोगे। इसके बाद ना मैं पापा के पास चली गई, और यहाँ पे पापा ने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने थे दिवाली के, तो यहाँ पे मैं ऑफिस में हूँ, एंड यहाँ पे पापा जो हैं वो लेबर्स को गिफ्ट देंगे। और मैंने इनकी प्राइवेसी के लिए मैंने जो फेस है इनके हाइड कर दिए जितने भी मेरे से एडिटिंग हो सकती थी। और यहाँ पे मैरून सूट वाले जो हैं वो मेरे मम्मा हैं, एंड वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है दिवाली वाले दिन, स्पेशली ये वाला सीन तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दिवाली वाले दिन जब भी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है। पापा कैसे जा रही है आपकी दिवाली? बहुत बढ़िया, पीछे झाड़ू आ रही है। फोन ही फोन कर रहा हूं, सुबह का दीदी किसको फोन, सबको विश कर रहे हो हैप्पी हैप्पी दिवाली। मैसेज लिखो सारे नो एक बार सेंड कर दो, मैसेज से ज्यादा ना अगले को अपनापन लगता है जब आप उसको फोन करते हो। मैसेज तो आप सबको भेज देते हैं, जो खास होते हैं उनको फोन करने चाहिए। ओके बढ़िया। सो यहाँ पे मेरी कज़न जो है वो रंगोली अभी तक बना रही है, ये सुबह से लगती है एंड दोपहर हो जाती है इसको रंगोली बनाते बनाते, और इसको बहुत शौक है रंगोली बनाने का। यहाँ पे मेरे पापा इसको छेड़ रहे हैं एंड ये इरिटेट हो रही है, रुको मैं वॉइस ओवर हटाती हूँ। सुबह की लाग रही है, रास्ता नहीं लगी हुई, इसने खाना भी नहीं खाया, ये छोरी ने हमारी ने खाना भी नहीं खाया। तो अब मैं जा रही हूँ किचन की ओर मम्मा से पूछने कि खाना बन गया या नहीं, एंड यहाँ पे मैंने मम्मा से पूछा कि खाना बन गया, एंड मम्मा सिर हिला रहे हैं क्योंकि उनको शर्म आ रही है। एंड यहाँ पे अब हम खाएंगे खाना, एंड दोपहर का खाना है ये अभी। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कृतिका की थोड़ी हेल्प की जाए रंगोली में, तो मैंने थोड़ा सा हेल्प कर दिया उसका कि जल्दी कम्प्लीट करे और ये तैयार हो, और उसके बाद हम फोटोज़ क्लिक करें। तो रंगोली कंप्लीट करवाने के बाद मैंने यहाँ पे चेक किए हैं साईं बाबा जी के चैप्टर्स, और जिनको नहीं पता ये क्या होता है तो मैं उनको बता देती हूँ, ये ग्लोबल महापरायण होती है। एंड यहाँ पे मैं चैप्टर्स चेक करती हूँ, और जो नहीं करते अपने चैप्टर्स कंप्लीट थर्सडे को तो उनको मैं कॉल करके रिमाइंड करवाती हूँ। तो ये ड्यूटी मुझे बहुत पसंद है, और मैं ये काफ़ी टाइम से कर रही हूँ अब, और मुझे अच्छा लगता है ये भी करके। तो इसके बाद मैंने पूजा के लिए सेटअप करना स्टार्ट किया, बिकॉज़ मैंने अभी मार्केट भी जाना था, तो मैंने यहाँ पे सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। अभी 4:30 बजे थे, तो पीछे क्लॉक में आपको दिख रहा होगा 4:30, और यहाँ पे चाचू चाची जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं सामान को अरेंज करने में,
एंड काफ़ी मज़ा आता है जब जॉइंट फैमिली में सारे कोऑपरेटिव होते हैं एंड सारे जने हेल्प करते हैं कि हम अपना सारा काम इकट्ठे कर लेते हैं और बहुत मज़ा आता है। मुझे तो जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है और मैं बचपन से ही जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग से लगते हैं मुझे सभी जने। और सभी जने एक्साइटेड होते हैं जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ ना, सभी जने ऐसे कहते हैं कि आपकी वीडियो कब आएगी, आपकी वीडियो कब आएगी, तो सारे एक्साइटेड होते हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में बच्चों में से और ये सारे मेरे कज़न्स हैं छोटे छोटे, और कज़न्स मेरी हेल्प बहुत करते हैं, ये स्पेशली कशिश जो आपको वीडियो में दिख रही है। कशिश इज़ वेरी वेरी नाइस गर्ल, जिसकी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है, और बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है ये, जो इसको कह दो बस वो कर देती है, विदाउट कोई भी इसकी वो फरमाइशें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब बहुत अच्छी बच्ची है ये। और ये काफ़ी मतलब हेल्पिंग बहुत है, इसको एक आवाज़ मारो कशिश ये कर दे और साथ के साथ काम हो जाता है। और यहाँ पे मेरा कज़न आ चुका है और यहाँ पे सारे हम कज़न्स जो हैं वो मिलके डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एक कज़न मेरा वीडियो की तरफ देख रहा है कि वो सही बन भी रही है या नहीं, तो हम सारे इसको मतलब सेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो है वो स्टूडियो लग के तैयार है, एंड पीछे जितनी भी डेकोरेशन हो सकती थी मैंने यहाँ पे कर दी है, एंड यहाँ पे मैंने मतलब भगवान जी जो हैं वो भी मैं ले आई हूँ और मैंने मंदिर जो है वो डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो चुके हैं, लेट मी शो यू क्लोज़अप इनका। और हमने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं एंड ये देखो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये भी। इसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड जानवी हम गए थे मार्केट देखने कि मार्केट कैसे सजी है, और मार्केट तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, सारी और लाइट्स ही लाइट्स थी और बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों की फ़ोटोज़ भी देखी थी तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे जाके। इसके बाद हमने खाए गोलगप्पे, और गोलगप्पे खाने के बाद भी हमारा जो पेट है ना वो बिल्कुल भी भरा नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि दिवाली थी तो रश तो होगा ही, तो इसलिए फिर हमने हमारा पेट तो भरा नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना सैम अंकल के यहाँ जाया जाए और कुछ खाया जाए, तो हम सैम अंकल चले गए थे। फिर मैंने खाया पास्ता एंड उसने खाया बर्गर। इसके बाद हम घर पर आ गए वापस एंड हमने यहाँ पर दियाज जगाए, एंड उसके बाद हमारा पूजा स्टार्ट हो गई थी क्योंकि 8 बज चुके थे, तो उसके बाद हमने सोचा कि पूजा कर ली जाए। एंड यहाँ पे सारी फैमिली मेरी बैठी है इकट्ठी एंड हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे मेरे बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, सच्ची में मैं मतलब खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे। और मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया फिर भी मतलब मेरे बाल इतने स्ट्रेट हैं, और मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि आपके बाल ऐसे कैसे हैं, तो मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आऊँगी जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद हमने पापा ने जो है वो भोग लगाया और फिर हमने प्रसाद वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड यहाँ पे पापा जो है ना वही सारा मतलब ये काम करते हैं, पूजा करना एंड सब कुछ करना, मेरे पापा जो हैं वो सबसे बड़े हैं। एंड यहाँ पे चाची जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रसाद उस। तो अब मैं यहाँ पे सभी को अरेंज कर रही हूँ एक फैमिली पिक के लिए, और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो यहाँ पे मैं सभी को अरेंज कर रही हूँ कि वो वन फ्रेम में ही सारे कम्प्लीटली आ जाएं। और ये मेरा खुद का रूम है और यहाँ पे लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो आप मुझे यहाँ पे काउंट करके बताना कि हम कितने पर्सन रहते हैं, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। आ रहे हैं ऑफिस में पूजा करने क्योंकि हमारे घर पे तो हो चुकी है, तो हम ऑफिस में जाएंगे पापा के। तो पापा चले, तो अब हम जा रहे हैं पापा के ऑफिस एंड वहाँ पे जाके हम पूजा करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मम्मा मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि चौराहे में पैर बिल्कुल भी नहीं रखना, तो हम साइड से ही जाएंगे। एंड यहाँ पे हम जा रहे हैं ऑफिस, सेम ही गली में है पापा का ऑफिस एंड सेम ही गली में हमारा घर है। हम करेंगे ऑफिस में पूजा एंड ये मेरे पापा एंड मॉम। हाय मॉम। हाय। तो हम आ चुके हैं घर पे वापस एंड अब हम डिनर करने वाले हैं, उसके बाद हम चलाएंगे पटाखे। गंदे लगते हैं मेरे को ये। क्या? ये चिटपुट से गंदे से। कशिश आप हंसी है सुबह से है ना? सुबह। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पटाखे चला रहे हैं। वैसे जनरली मैं बाहर जाती नहीं होती दिवाली वाले दिन पटाखे चलाने के लिए, बट यहाँ पे मुझे व्लॉग शूट करना था तो मैं यहाँ पे आ गई। घर पे बैठो दिवाली इसका मतलब ये होता है ग्रीन दिवाली का, तुम अभी, बताओ अभी जब वीडियो भी बन रही थी ना आप खुद कर चार्ज चला। मैंने एक घंटा का चलाया क्या निकाल लोगे ना? हाँ। हमारे घर के बच्चे एंड गली के बच्चे मिल के पटाखे चला रहे हैं और इनको देख के बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि मैंने इसका एंड पार्ट शूट नहीं किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड बाय बाय, टेक केयर।